हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नया आइडिया लेके आई हूँ। आइटम तो बहुत पुराना है, लेकिन उस आइटम को हम आइडिया में चेंज कर रहे हैं और आपको ये बहुत पसंद आएगा। और वो है बच्चों का मनी बैंक। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो आइडिया क्या लगाया है, तो आपको बनाने में भी मजा आएगी। ये देखिए, ये बच्चों का मनी बैंक है और मैंने इसको, ये इस तरह से सादा था, मैंने इसको ये रूप दे दिया है। अब इसमें निकालने का कोई जगह नहीं है, ये केवल पूरा ऐसे टैंक बना हुआ है और यहाँ पर होल है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा है। तो मनी बैंक तो बहुत मिलते हैं आपको बाज़ार में, और सुंदर सुंदर मिल जाएंगे, लेकिन बात बच्चों की खुशी के लिए जब होती है तो उसको अपनी क्रिएटिविटी से करने में आनंद ही कुछ और आता है। तो मैंने इसको ये क्ले से बनाया है। अब ये महाशय जो हैं, ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर तो आ गए हैं, अब सोच रहे हैं कि ये निकलेगा कैसे। तो ये अपने आप में बहुत फनी लग रहा है, और बच्चों के सामने भी अगर आप ये रख देंगी, इसी को रख देंगी, तो भी पैसे तो इसके अंदर हैं, लेकिन उनके चेहरे पे भी यही भाव आएंगे कि अब इसमें से निकलेगा कैसे, क्योंकि इसमें तो कहीं निकालने की जगह है नहीं, और मनी बैंक में तो होता है। तो उसी इमेजिनेशन को लेकर मैंने ये तैयार किया था। तो ज़रूरी नहीं कि आप यही इमेजिनेशन लें, आप कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकती हैं। तो ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आप अपने आइडिया से और भी कुछ बना सकती हैं। तो ये हमारा मनी बैंक है, इसमें कहीं भी कोई दूसरा और होल नहीं है कि पैसे निकाले जा सकें। तो इसके लिए हमें चाहिए क्ले, और क्ले को मैंने मिला लिया है पहले। ये शिल्पकार क्ले लिया है मैंने। मैंने इसको दोनों अच्छी तरह से पार्ट उसके मिला लिए हैं। अब हमने यहाँ पे, इसमें भी मैंने सीढ़ियाँ बनाई हैं, लेकिन उस तरह की नहीं बनाई, इसमें दूसरी तरह की सीढ़ियाँ बनाई हैं। तो इसके लिए हम पहले एक बड़ा सा रोल लेंगे, बराबर से इसको पूरा बना लेंगे, फिर चाकू की मदद से बराबर बराबर काट लेंगे। और ये अपने आप ही शेप इसका कटने पर आ जाएगा। ये कट गया है। अब बस इसको, इसके जो कटे हुए किनारे थे, इसको, ये एक ईंट की तरह दिख रहा है, और इसको यहाँ पे ऐसे हम दबा देंगे। ये क्ले है, ताज़ा क्ले अभी बनाया है मैंने शिल्पकार मिला के, तो ये इसी में आसानी से चिपक जाएगा। आप चाहे तो साथ में ग्लू का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए, एक ईंट लग गई है। ये हमारी दूसरी ईंट लग गई है। बनाने से पहले आप उस पर, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, आप भी ड्रॉ कर सकती हैं। ड्रॉ करके करेंगी तो आसानी रहती है बनाने में। ये दूसरी ईंट लग गई। ये हमारी अगली ईंट है। इस तरह से सारी ईंटें हम अच्छे से लगा देंगे। ये इतना मजबूत होता है कि अगर एक बार बच्चे के हाथ से छूट के गिर भी गया, तो ये जल्दी टूटता नहीं है। शिल्पकार बहुत मजबूत होता है। एक ऊपर एक नीचे, हल्के हल्के पायदान इसके बनेंगे। फिर ये एक और सीढ़ी, फिर ये एक और सीढ़ी, और सॉरी, एक और सीढ़ी। ये देखिए, ये हमारी सीढ़ियाँ तैयार हो गई। बाजार में आजकल
बहुत तरह तरह के आइटम बच्चों के लिए मिलते हैं। उसमें से मनी बैंक भी एक ऐसा है कि बहुत किस्म किस्म के मैंने देखे हैं मार्केट में। तो मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ करते रहने में मुझे बड़ा आनंद आता है। अभी मेरी और भांजियाँ छोटी हैं, आने वाली जनरेशन में भी बच्चे पैदा होना ही है। आप भी सोचते होंगे मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ, लेकिन ज़रूरी है। और ख़ुद को भी व्यस्त रखना अच्छी बात है, और आप कुछ करते रहेंगे तो बच्चों में भी क्रिएटिविटी बनी रहती है कि अरे वाह, मम्मा ने बनाया, चलो हम भी कुछ करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि कुछ करते रहना ज़रूरी है। ये दो और पार्ट हमने बना लिए हैं। यहाँ पर इसको हम ऐसे लगाएंगे जो पकड़ के चढ़ने के लिए लगाया जाता है। ये देखिए इस तरह से इसको हम यहाँ पे दबा देंगे ताकि ये इसी एमसील के साथ चिपक जाए। अब चूंकि ये पतला है तो इसको हम इसकी सहायता से इसमें फैला के चिपका देंगे। ये इस तरह से इसको सफाई से दबा देंगे। एक ये लग गया, एक और लगाएंगे। आप ये सब रिटर्न गिफ्ट में भी दे सकती हैं, बच्चों को ऑफिस में दे सकती हैं। राखी आने वाली है, सब बना के रख लें, जितने बच्चे हैं सबको एक एक रिटर्न गिफ्ट दे सकती हैं, क्योंकि उसमें भी लोग पैसे देते ही देते हैं। तो बच्चों में एक सेविंग की भावना जागना बहुत ज़रूरी है। आजकल इतने आइटम हैं, बच्चे इतने तेज़ हो चुके हैं कि वो अपनी अपना सामान अपने से ख़रीदने में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। तो बेहतर है कि वो इधर उधर खर्च करें, आप पहले उनको इकट्ठे करने की आदत डालें कि हाँ, इतने पैसे इकट्ठे कर लोगे तो आपको ये आपकी मनपसंद चीज़ मिल सकती है। ये देखिए, ये हमने इसको यहाँ जोड़ दिया। अब इसके ऊपर एक हम इसको ओवल बनाएंगे। ओवल बनाने के बाद एक हिस्सा हल्का सा ऐसे दबा देंगे, नीचे चौड़ा रखेंगे, हल्का सा ऐसे इसको दबा देंगे, इस तरह से दबा के। और इसको यहाँ पे ऐसे हल्का सा अलग ये और दबा देंगे इसको। ये हो गया। अब इसके नीचे हम सी एड़ी निकाल देंगे ये, और यहाँ पे इसको ऐसे अभी इन पैरों को यहाँ चिपका देंगे हम इस तरह से। ये हल्की सी एड़ी निकल आई, इसको दबा देंगे तो ये पैर का तालू जैसा दिखाई देगा, और ये नीचे का हिस्सा हम पतला कर देंगे। ये इसी तरह से दूसरा पैर तैयार करेंगे। इसको भी यहाँ लगा देंगे। ये देखिए इसमें लगा दिया, और इसको यहाँ लाए, इसकी भी एड़ी बना दी, इसको यहाँ से काट दिया। और फिर एक पतली सी और पट्टी बनाएंगे,
और ये जो इनका नीचे वाला हिस्सा है इसको यहाँ पे ऐसे गोल घुमा के लगा देंगे, इसको हाथ से दबाएंगे ताकि फिनिशिंग बनी रहे। ये देखिए अभी ये महाशय इसमें लटक चुके हैं, अभी आधे लटके हैं। अब इनका थोड़ा सा ये हिस्सा जो है ऐसे घुमा देंगे और ये यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको हम यहाँ से काट देंगे। और ये जो इनकी गर्दन है इसमें ऐसे लगा देंगे, अब हम इनका हाथ बनाएंगे। हाथ भी यहाँ से निकालेंगे और ये इसको यहाँ दबा देंगे, ये ऐसे ये पकड़ने वाले पोजीशन में आ जाएगा। ये देखिए अब हमें दूसरा हाथ बनाना है, ये थोड़ा सा दबा दिया, ये हाथ का शेप आ गया और ये थोड़ा बड़ा है, इसको कट कर देंगे, इसको भी यहाँ से चिपका देंगे। ये देखिए ये चिपक चुका है। अब ये जो चेहरे का हिस्सा है ये इस पे ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा ऐसे उठा के यहाँ ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे हम बहुत ही छोटा सा, अब इसकी आईब्रो बनानी है, बहुत ही छोटा सा पीस लेंगे, इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। देखिए इतना छोटा सा बनाएंगे और इसको यहाँ लगा देंगे इस तरह से, और एक छोटी सी बिंदी के बराबर एक आंख की आईबॉल बना देंगे। ये देखिए ये साइड से देखिए, ये आंख, एक आंख दबी हुई है, एक आंख से ये झांकते हुए कि आखिर इसमें हमारा मनी है कितना और हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि बचपन में ये प्रक्रिया स्वाभाविक है। ये हो गया, अब हम इनका इस तरह से काफी पतली सी लेयर बनाएंगे। अब एक एक करके इनके बाल बना देंगे इस तरह से। मैं इसको लड़की का लुक दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक लड़के वाला लुक है, आप इसको अपने हिसाब से कुछ भी बना सकती हैं। फिर ये देखिए ये बाल बन रहे हैं, और लेंगे थोड़ा सा, पूरा इसको लंबा करेंगे, पतला पतला, और इसके बाल लगाते चले जाएंगे इस तरह से।
आजकल लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, इसलिए एक लड़की का गुल्लक मैंने बनाया। ये देखिए, ये यहाँ आ गया, जो ये बचा हिस्सा था इसको मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया और इसको यहाँ ऐसे ये लगा दिया। ये जो बचा है अब इससे काफी पतला सा एक और बनाएंगे। ये देखिए, ये जो है छड़ी है। अब ये छड़ी जो है इन मैडम के हाथ में पकड़ानी है, इसको धीरे से हम उठाएंगे और ये जो छड़ी है इसका हिस्सा ये मोड़ देंगे ताकि इनको पैसे निकालने में दिक्कत ना हो। और ये छड़ी जो है इनके हाथ में हम यहाँ पे ऐसे धीरे से पकड़ाएंगे, छड़ी तार जो भी इनको समझ में आए। ये हमने इनके हाथ में पकड़ा दी और ये छड़ी काफ़ी लंबी है, इनकी यहाँ तक आएगी। ये अब इसको हम धीरे से यहाँ पे दबा देंगे। ये ध्यान रहे कि जो होल है इसके ऊपर आपका ज़्यादा काम ना हो, क्योंकि वहीं से तो पैसे डालने हैं और वो बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे चपटा सा इसको चिपका देंगे। यहाँ पर आप फेविकोल की मदद ले सकती हैं। ये देखिए, ये मैंने इसे चिपका दिया है और ये डंडी इनकी जाएगी ये इधर। ये अब ये हमारी मैडम पर सीढ़ी पे चढ़ चुकी हैं और इनकी ये ड्रेस पे मैंने डिज़ाइन बना देती हूँ। ये हमारा इस तरह से गुल्लक तैयार हो गया है, ये देखिए। और आप चाहे तो और भी कुछ बना सकती हैं। अभी हमारा थोड़ा सा ये शेपकार बचा हुआ है तो इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। और ये जो है इन मैडम के पैर के नीचे लगा देते हैं ताकि ये पैर टिकाने वाली जगह दिखाई दे कि हाँ यहाँ तक चढ़ के हम कुछ ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा मनी बैंक तैयार हो गया है। और जब ये इसको 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दें, जब ये सूख जाए तो फिर आप जो है इसको अपने मनपसंद कलर से कलर कर दें और बहुत बारीकी के साथ कलर करें। तो उम्मीद है आपको ये मनी बैग पसंद आए होंगे। चलती हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले आइटम के लिए फिर हम मिलते हैं आपसे। नमस्कार।